राहुल गांधी हमेशा अपनी अतरंगी कामों और बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे ही उन्होंने इस बार फिर ऐसा कुछ किया है जिससे सदन में खलबली मच गई। राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर को लेकर सदन पहुंचे और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा और साहस ही हमारा हथियार है। शिव का त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है। राहुल ने अपने संबोधन के दौरान कुरान और गुरु नानक की तस्वीर भी दिखाई। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन से पहले भगवान शिव की तस्वीर दिखाई, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा, क्या नियम के तहत उचित नहीं है? इस पर राहुल गांधी का जवाब था कि तस्वीर के जरिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि शिव जी से कभी नहीं डरने की शक्ति मिलती है। शिव जी हमेशा सत्य के से कभी पीछे नहीं हटाने की प्रेरणा देते हैं और उनके बाएं हाथ में त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है, जबकि दाहिने हाथ में अगर यह त्रिशूल होता है तो वह हिंसा का प्रतीक होता। सत्य, साहस और अहिंसा हमारा संबल है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन को आगे बढ़ते हुए कुरान का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने गुरु नानक देव और जीसस क्राइस्ट की भी तस्वीर सदन में सबको दिखाई। राहुल गांधी ने कहा कि कुरान में लिखा है डरना नहीं है, जबकि जीसस का कहना है डरो मत, डराओ मत। कांग्रेस ने आगे कहा कि सभी ग्रंथों में अहिंसा की बात कही गई है, सभी ने अहिंसा की बात की, सभी ने डर मिटाने की बात कही है। हालांकि राहुल गांधी के इस संबोधन के बाद लोकसभा पर भारी हंगामा हो गया। इस विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर उनके भाषण पर आपत्ति भी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल ने कहा कि जो हिंदू में है वो हिंसा फैलाते हैं, उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के विचार संविधान और संविधान पर हमले का विरोध करने वाले लोगों पर एक व्यवस्थित और पूर्ण पैमाने पर हमला किया गया है। हम में से कई लोगों को व्यक्तिगत हमले किए गए, कुछ नेता अभी भी जेल में हैं। जिस किसी ने भी सत्ता और धन के केंद्रीकरण, गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर आक्रामकता के विचार का विरोध किया उसे कुचल दिया है। भारत सरकार के आदेश से, भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से मुझ पर हमला किया है, इसका सबसे सुखद हिस्सा ईडी द्वारा 55 घंटे की पूछताछ थी।